आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भंडारा जिले में राजनीति का नजारा कुछ और ही है। जहां अन्य जिलों में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर रही है, भंडारा में किसी भी राजनीति दल ने अपने अपने पत्ते नहीं खोले। पहले आपकी तर्ज पर इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल बुधवार को इस मामले में कुछ प्रगति हो सकती है। सूत्रों की माने तो सीट बंटवारे एवं टिकट घोषणा के पश्चात जिले में कुछ सरगर्मी चरम पर होगी। आया राम गया राम की प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी। जातिगत राजनीति भी सिर बाहर निकाल रही है। 28 सितंबर 2019 को जब विधायक चरण वाघमारे को गिरफ्तार किया गया, तब से जिले की राजनीति ने करवट ली है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिले की राजनीति नाना पटोले को केंद्र में रखकर होती रही है। 28 सितंबर के बाद चरण वाघमारे तेजी से उभर कर सामने आए हैं। यही कारण है कि नए समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा कदम उठा रही है। राका एवं कांग्रेस की भी नजर इसी ओर है कि चरण वाघमारे को लेकर भाजपा कौन सा निर्णय लेती है। माना जा रहा है अनुकूल प्रतिकूल निर्णय से भंडारा जिले की तीनों सीटें प्रभावित होगी। भाजपा द्वारा तुमसर का प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही राका कांग्रेस गठबंधन अपना प्रत्याशी घोषित करेगा।